सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिगिनर्स गाइड ऑन हाउ टू मास्टर योर ट्रैक। सो लेट्स गो। सो हेलो प्रोड्यूसर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। और इस चैनल पे जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग EDM और म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं। सो इफ दैट्स व्हाट यू लाइक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। इंतजार किस बात का? तो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि मास्टरिंग होती क्या है। मास्टरिंग होता है तीसरा स्टेप आपके म्यूजिक मेकिंग में, जैसे कि म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग। उसके बाद आती है मास्टरिंग, जो कि होता है लास्ट स्टेप। और इसमें हम लोग बेसिकली थोड़ी बहुत अपने गाने की सुंदरता बढ़ाते हैं, बेसिकली आइसिंग करते हैं। जैसे केक पूरा बनने के बाद आइसिंग की जाती है, वैसी तरह से मास्टरिंग में हम अपने ट्रैक की आइसिंग करते हैं, हल्की फुल्की EQ करके उसकी बेसिकली थोड़ी बहुत लाउडनेस बढ़ा देते हैं ताकि वो रिलीज करने के लिए तैयार रहे। सो या दैट्स बेसिकली व्हाट मास्टरिंग इज, सिंपल भाषा में। सो ये रहा भाई ट्रैक, जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक हेडरूम मैंने छोड़ा हुआ है मिक्सिंग के दौरान। और बिग रूम ट्रैक है ये, 25 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। अभी तो मैं खाली फर्स्ट ड्रॉप दिखा रहा हूँ, उसका सेकंड ड्रॉप भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल। सो स्टे ट्यून, 25 तारीख को रिलीज़ होगा, चेकआउट ज़रूर करना। और हाँ, एक चीज़ और, मास्टरिंग जैसे जॉनर स्पेसिफिक होती है, हिप हॉप में मास्टरिंग थोड़ी बहुत अलग होगी, EDM की मास्टरिंग थोड़ी बहुत अलग होगी, बॉलीवुड में थोड़ी बहुत अलग होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है इंजीनियरिंग का ऑडियो में, पर थोड़ी बहुत जैसे प्रेफरेंसेस अलग हो जाती है। बॉलीवुड में हम वोकल डोमिनेटिंग ट्रैक्स बनाते हैं जिसमें वोकल अपफ्रंट रहते हैं और म्यूज़िक बैकग्राउंड में सपोर्ट करती रहती है। EDM में हम लोग म्यूज़िक डोमिनेटिंग ट्रैक्स बनाते हैं जिसमें वोकल्स रहते हैं पर म्यूज़िक ज़्यादा डोमिनेटिंग रहती है। सो उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने EDM ट्रैक के मास्टरिंग। सो लेट्स गो। लाउडेस्ट पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक बार सुन के देख लेते हैं कैसा साउंड कर रहा है। सो या दैट्स द ट्रैक, और ये फर्स्ट ड्रॉप का सेकंड हाफ है, एंड यही है ट्रैक का लाउडेस्ट पार्ट। सो पहली चीज़ ऐड करते हैं हम लोग पैरामेट्रिक EQ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक लो कट और एक हाई कट करेंगे ताकि अनवांटेड फ्रिक्वेंसी, जो बहुत ज़्यादा लो एंड है, जो बहुत ज़्यादा हाई एंड, जो हम सुन भी नहीं सकते, उन सबको कट कर देंगे। तो मैं यहाँ से प्रीसेट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। हिंट पैनल में आप देख सकते हैं 22 हर्ट्ज़ तक के कट है, इसको मैं कर देता हूँ 24 कर देते हैं, क्योंकि बिग रूम है, हमें लो एंड भी चाहिए और ज़्यादा अन कट नहीं करें। और हाई कट करीबन 18K के आसपास किया है। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि हमारा हेडरूम थोड़ा बचेगा, और जिसकी वजह से हम जो हमें लाउडनेस चाहिए वो अचीव करने में आसानी रहेगी। तो एक बार स्पैन में भी देख लेते हैं हमारा ट्रैक कैसे शो हो रहा है। स्पैन फ्री प्लगइन है भाई, ये मत कहना कि तुमने तो कहा था स्टॉक प्लगइन सारे दिखाओगे, तो स्पैन फ्री प्लगइन है, डाउनलोड कर लो भाई, बहुत तगड़ा प्लगइन है। तो भाई देख सकते हो कि मोस्टली सारी फ्रीक्वेंसी भरी हुई है, मिक्सिंग अच्छी से हुई ट्रैक की, वो अलग बात है किसी लेवल ने गाना एक्सेप्ट नहीं किया। अब ऐड करते हैं कंप्रेसर, और ये कंप्रेसर मैं यूज करूंगा जो थोड़ा सा पीक कंट्रोल करने के लिए, जो हार्ड पीक्स एंड ट्रैक की जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम इसमें से कंप्रेस कर लेंगे। तो ये करने के लिए भाई पहले अटैक एकदम कम करेंगे, अटैक एकदम ज़ीरो, रिलीज एकदम ज़ीरो, सस्टेन इतना ही छोड़ देते हैं, रेशियो 2:1 का ले लिया है हिंट पैनल में आप देख सकते हैं। और अब धीरे धीरे हम लोग थ्रेशोल्ड को नीचे करेंगे और देखेंगे कितनी ज़रूरत है कंप्रेस करने की।
जैसे कि भाई तुमने देखा बहुत हल्का ही कंप्रेस किया, सिर्फ जो हार्ट पीक्स है उनको कंप्रेस करने के लिए। तो पहले कंप्रेसर से इतना ही करेंगे, बाद में हम लोग फिर से एक कंप्रेसर यूज़ करेंगे अच्छे से चीज़ों को ग्लू करने के लिए। अब ले लेते हैं एक और EQ। तो भाई ये EQ किस लिए लिया, ये हल्की फुल्की फ्रिक्वेंसी में बढ़ाना या थोड़ा बहुत कम करने के लिए लिया है। सुन के देखेंगे, अगर चीज़ें अच्छी लगेंगी तो ऐड करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। देख लेते हैं। थोड़ी सी एयर बढ़ाई है, एक्स्ट्रा हाई एंड जो होता है उसको थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ी सी क्रिस्टल फील देने के लिए, और बेस थोड़ा सा बढ़ा दिया बिकॉज वाई नॉट, बिग रूम ट्रैक है हमें अच्छा सा लो एंड चाहिए। और लो मिड्स बढ़ाया क्योंकि लो मिड्स भाई जैसे बेसिकली बिग रूम वगैरह फेस्टिवल्स के लिए होता था, तो फेस्टिवल्स में लो मिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वही मेन एनर्जी जनरेट करता है। सो हल्का सा लो मिड में बूस्ट दिया, 1 dB का ज़्यादा नहीं। अब थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड कर देते हैं। सैचुरेशन इसे फ्रूटी वेव शेपर से देंगे, बहुत ही अच्छा प्लगइन है भाई। और हल्की सी हार्मोनिक्स ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक। मास्टरिंग में भाई हर चीज़ बेसिक ही होगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज सिर्फ म्यूज़िक प्रोडक्शन और मिक्सिंग के टाइम ही करेंगे। सो भाई जैसे देख सकते हो बहुत ही हल्की सी हारमोनिक्स ऐड की मैंने, बहुत ही हल्की सी सैचुरेशन, और अच्छा सा एक हल्का सा अपफ्रंट हो गया गाना, बस वही चाहिए था। भाई क्या वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो और अच्छी लग रही वीडियो, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि और भी तगड़ी वीडियोज़ आने वाली है फ्यूचर। कमेंट में कुछ सजेशन डालने हो तो भी डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो भाई अब बारी आ चुकी है दूसरे कंप्रेसर की, और इस कंप्रेसर से हम अपने ट्रैक को और ज़्यादा कंप्रेस और ग्लू करेंगे, हर चीज़ों को ग्लू कर देंगे ताकि सारी चीज़ें साथ में बढ़िया पैकेट में साउंड करें। और इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे भाई थोड़ा ज़्यादा अटैक लेना, 2 मिलीसेकंड के आसपास ज़्यादा, और रिलीज इतनी छोड़ देते हैं। देखते हैं, सुन के भी देखेंगे कि कुछ चेंजेस अगर करने हैं। रेशियो वही ले अपना 2:1, और अब सुन के हम अपना थ्रेशोल्ड अपने हिसाब से कम करेंगे सुन के। सो भाई जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत ही हल्का फुल्का ग्लू कंप्रेस किया है हमने ताकि सारी चीज़ें एक साथ एक पैकेट में साउंड करे बढ़िया। और या दैट्स इट फॉर दिस कंप्रेसर, लेट्स गो अहेड। तो भाई अब ऐड कर लेते मैक्सिमस। मैक्सिमस हमने क्यों ऐड किया है, अपने स्टेरियो फील्ड को कंट्रोल करने के लिए मैंने मैक्सिमस ऐड किया है। लिमिटिंग हम इससे नहीं करेंगे, लिमिटिंग बाद में फ्रूटी लिमिटर से करेंगे।
जिससे बस अपनी स्टीरियो फील्ड को कंट्रोल करेंगे। स्टीरियो फील्ड को क्या कंट्रोल करेंगे, लो एंड को हम एकदम डेड सेंटर कर देंगे, हाई फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा स्प्रेड और कर देंगे, और मिड्स को बहुत ही थोड़ा हल्का और स्प्रेड करेंगे। बैंड्स को देख लेते हैं, लो एंड की मैं फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम करूँगा, इसको 100 हर्ट्ज कर दिया है, और सुन के देखेंगे हाई कितनी रखनी चाहिए। तो भाई जैसे सुन सकते हो सुपर हाई फ्रिक्वेंसीज, बिल्कुल एयर जो होती वो है, और ये मैंने सोलो करके सुन रहा हूँ इसीलिए ऐसी सुनाई दे रही है। अब यहाँ ये स्टेरियो नॉब है, इससे हम थोड़ी हाई फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट करेंगे, ताकि स्टेरियो फील्ड में बूस्ट करेंगे। तो देखते हैं, इधर हिंट पैनल में आप देख सकते हैं 25% मैंने और ज़्यादा वाइट कर दिया मैंने हाई फ्रिक्वेंसीज को। मिड्स में चलते हैं, सुमिट को सोलो सुनने के बाद मैंने लो एंड को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि किक को नहीं चाहते, किक की जो थंब थी हम उसको मिड में ही चाहते हैं, बिल्कुल सेंटर में, और अगर मैं अभी स्प्रेड कर दूंगा तो वो थंब जो था किक का, आप सुन सकते हैं, वो भी वाइड हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है हमारे साउंड, हमारे ट्रैक के लिए। और उम्मीद है भाई तुम लोग हेडफोन्स में सुन रहे होगे, मतलब डिसेंट हेडफोन्स या स्पीकर में, तभी सारी चीज़ें सही से समझ में आएंगी। सो भाई जैसे कि तुम सुन सकते हो, लो एंड को मैंने बिल्कुल डेड सेंटर कर दिया है, और बारी है मिड्स की, और मिड्स को मैंने करीबन 15% और स्प्रेड कर दिया है। तो यही इतना बस करना था मैक्सिमस के साथ, और ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं। ऐड कर दिया मैंने तीसरा IQ, और ये किस लिए, क्योंकि अभी हमने हाल ही में सेचुरेशन वगैरह ऐड किए थोड़ी, तो हो सकता है जो हमने लो एंड पहले काटा था, जो लो कट लगाया था और हाई कट लगाया था उसकी, वो वापस से आ गया, और सेचुरेशन की वजह से थोड़ी बहुत फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जैसे कि सबको मालूम है हारमोनिक्स, तो इसलिए हम एक बार फिर से लो कट और हाई कट कर देंगे। सोलो करना, सोलो हटाया नहीं भाई, आप ठीक है। दैट्स इट, बारी आ गई है लिमिटर की। अब हम अपने ट्रैक की जो लाउडनेस है वो बढ़ाएंगे, और लाउडनेस बढ़ाने से पहले एक बार स्पैन में भी देख लेते हैं कि अब कैसा दिख रहा है हमारा ट्रैक। सो या एवरीथिंग साउंड्स गुड, और लाउडनेस को हल्का हल्का बढ़ाते देखते हैं। इतनी लाउडनेस मेरे ख्याल से ठीक है कि RMS भी 11 के आसपास दिखा रहा है, और कोरिलेशन मीटर भी हम साथ में देखते रहेंगे कि ये लेफ्ट, ये राइट साइड में ज़्यादा रहे, लेफ्ट में ना आए, क्योंकि अगर लेफ्ट में आ रहा है तो उसका मतलब फेज इशूज है। वैसे एक चीज़ मैं करना भूल गया,
हम अपने सारे ईक्यू में लीनियर फेज सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे फेज के साथ कोई भी दिक्कत ना करे, सिर्फ फ्रिक्वेंसी काटे। लीनियर फेज सेलेक्ट करने का यही मोटिव है। सो भाई, मेरे हिसाब से अब इतनी मास्टरिंग काफ़ी रहेगी। अब इससे ज़्यादा और कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। सो मेरी मास्टरिंग चेन अगर मैं स्टॉक प्लगइन से करूँ तो यही करूँगा। अगर किसी को थर्ड पार्टी प्लगइन से भी मास्टरिंग देखनी है तो भाई कमेंट में बता देना, मैं उससे भी वीडियो बना दूँगा। वैसे तो मैंने अपने ट्रैक की मास्टरिंग जो की थी उसमें थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ किए थे, पर ये वीडियो के लिए मैंने इसको स्टॉक प्लगइन से भी। तो भाई मैंने मास्टर वर्जन भी अपने प्रोजेक्ट में डाल लिया है और जैसे कि तुम देख सकते हो कि अच्छे से मास्टर हो चुका है। हमारे डायनामिक्स भी हैं, बरकरार हैं। जैसे ब्रेकडाउन का डायनामिक है, ब्रेकडाउन में वॉल्यूम कम है और ड्रॉप की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हमने इतना ज़्यादा कंप्रेस और लिमिट नहीं किया है कि सारी डायनामिक्स ही ख़त्म हो जाए। उस चीज़ का भी ध्यान रखा है और अच्छे से हर चीज़ को कंप्रेस करके मास्टर कर दिया है अपने ट्रैक को। तो एक बार फाइनली मास्टर वर्जन सुन लेते हैं। तो भाई ये रहा बिगिनर्स गाइड ऑन हाउ टू मास्टर योर ट्रैक, और ये ट्रैक 25 तारीख को रिलीज हो रहा है। तो भाई मेक श्योर टू चेक इट आउट एज वेल। सपोर्ट करना, हर प्लेटफॉर्म पे रहेगा सपोर्ट करना, जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुम सुनते हो वहाँ पे लाइक ज़रूर कर लेना। और हाल ही में मैंने एक नई वीडियो बनाई थी ऑन टॉप 10 ड्रॉप्स ऑफ जनवरी 2022। अगर वो नहीं देखी तो भाई ये रही वीडियो, जाके ज़रूर देखो। मिलता हूँ मैं तुम्हें उस वीडियो में। सी यू देयर।